जब वीरेश चांडिल आतंकवाद के खिलाफ आमने सामने हो रहा है, मैं बिना सुरक्षा के भी, आज मैं आतंकवादियों का टारगेट हूँ, आज मैं खालिस्तानियों का टारगेट हूँ, आज मुझे बब्बर खालसा के लोग मारना चाहते हैं, आज मुझे पाकिस्तान के हथियार स्मगलर मारना चाहते हैं, मैं अभी प्रदीप नैन की माँ को बोल के कि मेरे लिए दुआ करना कि मेरी मौत भी जो है बम की गोली से या बम से आया गोली से आए, मैं देश के लिए मरूं, मैं देश के लिए समर्पित रहूं, मैं भारत माता के लिए मेरी कुर्बानी निछावर हो। अमृतपाल सिंह की सदस्यता भंग की जाए, रद्द की जाए, और जिन अधिकारियों ने अमृतपाल सिंह को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव लड़ने की अनुमति दी उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाए, एक्शन लिया जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से ना तो शहीद प्रदीप नैन की 13वीं में हरियाणा सरकार का कोई मंत्री था, ना जिला जींद का कोई सिंगल प्रशासनिक अधिकारी था। बड़ा दुख हुआ जिस शहीद ने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राण न्यौछावर करके वीरगति को प्राप्त हुआ, उसकी शहादत को मात्र 13 दिन में हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन भूल गए। और खालिस्तान के खिलाफ सांझी मुहिम हिंदू सिखों को शुरू करनी होगी, और अमृतपाल के खिलाफ एक ऐसा माहौल चलाया जाए वो खुद ही इस्तीफा दे दे, और इसकी पहल सिखों को करनी चाहिए ताकि ये संदेश जाए कि गुरु का सच्चा सिख जो होगा वो जरनैल सिंह भिंडरांवाला को नहीं मानेगा। जरनैल सिंह भिंडरांवाला कौन सा गुरु है, कौन 10वें गुरु के बाद तो गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन खालिस्तानियों ने जरनैल सिंह भिंडरांवाला को गुरु बना दिया, शहीद बना दिया, जिसके पास से पाकिस्तानी वेपन मिले दरबार साहब में, जिसने दरबार साहब की पवित्रता भंग की। मैं आज एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से नरवाणा शहीद प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि देने के लिए आज, क्योंकि उसकी 13वीं थी, गया था वहाँ, तो कैथल में बहुत समय से पत्रकारों से साथियों से मुलाकात नहीं थी, चाय पीने का मन था, और जल्दी हमारी एक प्लानिंग जो है एंटी टेररिस्ट की 25 तारीख को एक मीटिंग है, उस मीटिंग में हम राष्ट्र स्तर पे एक मुहिम छेड़ने जा रहे हैं कि जिस तरह 5 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में कैप्टन मेजर जवान शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अब भारत के प्रधानमंत्री को डू एंड डाई, करो और मरो वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इस तरह हमारे माओं के बच्चों को शहादत का जाम हम कब तक पिलाए जाएंगे, ये एजेंडा हम पूरे देश में लेके जाएंगे। वहीं मैं राजनाथ सिंह जी को मिलके, हमारी एक मांग रहेगी उनसे कि जिस तरह कारगिल के युद्ध में जो वहाँ शहीद हुए उस वक्त उनको, उनके परिजनों को पेट्रोल पंप गैस एजेंसियाँ मिली, इस तरह वहाँ वार डिक्लेयर करके वहाँ जो भी शहीद होता है चाहे वो हरियाणा का है या किसी भी स्टेट का है, उसके परिवार को माँ बाप को गैस एजेंसी मिले, और उसके परिवार में अगर उसकी वाइफ है शहीद की, उसकी माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उन सबको बराबर की पेंशन मिले, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, कम से कम 2 करोड़ रुपए की राशि को लेके हम राजनाथ सिंह जी से मांग करेंगे, और पूरे शहीद के परिवार का लालन पोषण एजुकेशन दवाई का सारा खर्चा केंद्र सरकार एक बिल लेके आए, उसके तहत जो है शहीद परिवारों को सम्मान मिले। आज बड़ा दुख हुआ कि हरियाणा सरकार की तरफ से ना तो शहीद प्रदीप नैन की 13वीं में हरियाणा सरकार का कोई मंत्री था, ना जिला जींद का कोई सिंगल प्रशासनिक अधिकारी था। बड़ा दुख हुआ जिस शहीद ने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राण न्यौछावर करके वीरगति को प्राप्त हुआ, उसकी शहादत को मात्र 13 दिन में हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन भूल गया। एंटी टेररिस्ट इसका विरोध करेगा और इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी मिलेगा। और वहीं मैं देश के गृह मंत्री से मांग करता हूं कि अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान की मूवमेंट लेके आया था पंजाब में, जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, जिसको NSA लगा के 1 साल और उसको एक्सटेंड कर दिया गया, मैं मांग करता हूं कि अमृतपाल सिंह की सदस्यता भंग की जाए, रद्द की जाए, और जिन अधिकारियों ने अमृतपाल सिंह को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव लड़ने की अनुमति दी उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाए, एक्शन लिया जाए।
ये वही अमृतपाल है जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला की मुहिम लेके, जिस जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने 90 सेना के जवानों को 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद किया, पंजाब के पुलिस अफसरों को शहीद किया, ये वही व्यक्ति था जरनैल सिंह भिंडरांवाला जो खालिस्तान की मूवमेंट लेके आया था, ये वही व्यक्ति था जरनैल सिंह भिंडरांवाला जिसने हिंदू सिख भाईचारे को खत्म किया, ये वही जरनैल सिंह भिंडरांवाला था जिसने पंजाब में निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, ये वही जरनैल सिंह भिंडरांवाला था जिसने दरबार साहब की पवित्रता भंग की, दरबार साहब में हथियार इकट्ठे किए, मलमूत्र किया, तो इसको देश कभी माफ नहीं कर सकेगा। और उसी की कॉपी जो है अमृतपाल सिंह कर रहा था, वही तीर भिंडरांवाला, और अमित शाह को धमकी दे रहा था कि तेरा हशर भी जो है अमित शाह की तरह होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कैथल के पत्रकारों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अमृतपाल का एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में अमृतपाल सिंह कह रहा है कि अपने लोगों को क्या कह रहा है, जो खालिस्तानी है, जो गर्म रेडिकल हैं, कि तुसी हकूमत का यूज करो, और हकूमत का यूज कर ले, हकूमत दे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान का यूज करो, मैं संविधान को नहीं मानता क्या, पर तुसी अपने बंदी सिक्कां नूं छड़ना है तो संविधान का यूज करो। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं संविधान में विश्वास नहीं रखता, वो संविधान की कसम लेता है पार्लियामेंट में जाके, उसको स्पीकर कसम दिलवाता है, और उसके बावजूद भी पार्लियामेंट के स्पीकर उसको शपथ दिला देते हैं, जो ये कह रहा है कि मुझे संविधान में विश्वास नहीं है। ऐसा व्यक्ति अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति अब पार्लियामेंट में बैठेगा, देश में बैठेगा। और एक आतंकवादी जो ISI का एजेंट है, 2022 में मैंने कहा था इसको पाकिस्तान की फंडिंग है, पाकिस्तान के टेररिस्टों ने भेजा है, ऐसा व्यक्ति आज इस देश की, जिस देश को भगत सिंह ने आज़ादी दिलाई, जिस देश को उधम सिंह ने आज़ादी दिलाई, जिस देश को खुदीराम बोस ने आज़ादी दिलाई, जिस देश को अशफाक उल्ला खान ने आज़ादी दिलाई, उस देश के तिरंगे को आज ये ललकार रहा है और संविधान को चुनौती दे रहा है। मैं आपके माध्यम से इस व्यक्ति की, जिसकी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके माध्यम से, ये वही अमृतपाल सिंह है जो MP बनने के बाद जिसकी NSA एक साल के लिए एक्सटेंड की गई, जब उसकी NSA एक साल के लिए एक्सटेंड की गई, फिर उसको पंजाब सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने पैरोल क्यों दी, 5 दिन की रशीद जो टेररिस्ट एक्टिविटी में बंद है उसको 2 घंटे की पैरोल मिलती है औथ लेने के लिए, और अमृतपाल सिंह को जिसने पंजाब के अंदर पुलिस के ऊपर अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, अमित शाह को चुनौती दी, उस अमृतपाल सिंह को 5 दिन की पैरोल दे दी गई, जिससे संविधान और देश से प्यार करने वाले लोग रो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की सदस्यता भंग की जाए, और अमृतपाल को मैं एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से मैं जिम्मेवारी से विदेश अंडिला कहना चाहता हूँ, ना अमृतपाल सिंह को जरनैल सिंह भिंडरांवाला की सोच की मुहिम पंजाब में चलानी दी जाएगी, ना पंजाब में खालिस्तान बढ़ने दिया जाएगा, ना पंजाब में आतंकवाद आने दिया जाएगा, ना पंजाब की सड़कों को फिर खून से लाल होने दिया जाएगा, ना पंजाब में निर्दोषों की हत्या होने दी जाएगी। इसके लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया किसी भी कुर्बानी के लिए, किसी भी सेक्रीफाइस के लिए तैयार है। मैं वही वीरेश चंडला हूँ, जब सरदार बेन सिंह के जिन हत्यारे टेररिस्ट जगतार सिंह हवारा ने जब बड़ैल जेल ब्रेक किया, देखिए इन्होंने पहले मुख्यमंत्री मारा, ये भी बब्बर खालसा के लोग हैं, ये भी खालिस्तानी है, जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह ब्योरा जो इस टाइम दिल्ली तिहाड़ में बंद है, इन्होंने सरदार बेन सिंह की चीफ मिनिस्टर की हत्या की, और हत्या करके इन्होंने 119 फुट की सुरंग जो है बुढ़ैल जेल में खोद के भाग गए। इसका मतलब ये मास्टरमाइंड लोग हर वक्त देश को खंडित करने की साजिशें रचते हैं। उसके बाद ये दिल्ली तिहाड़ जेल गए, जब 2004 में इन्होंने बुढ़ैल जेल ब्रेक किया, पहला मौका नहीं है जब वीरेश चांडिला आतंकवाद के खिलाफ आमने सामने हो रहा है, मैं बिना सुरक्षा के भी, आज मैं आतंकवादियों का टारगेट हूँ, आज मैं खालिस्तानियों का टारगेट हूँ, आज मुझे बब्बर खालसा के लोग मारना चाहते हैं, आज मुझे पाकिस्तान के हथियार स्मगलर मारना चाहते हैं। मैं अभी प्रदीप नैन की माँ को बोल के कि मेरे लिए दुआ करना कि मेरी मौत भी जो है बम की गोली से, या बम से आया गोली से आए, मैं देश के लिए मरूं, मैं देश के लिए समर्पित रहूं, मैं भारत माता के लिए मेरी कुर्बानी निछावर हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि 2004 में मैंने हाई कोर्ट में PIL फाइल की एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से कि इनको इसकी CBI जांच हो, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया। जब ये 2008 में आतंकवादी दिल्ली से चंडीगढ़ आते थे CGM कोर्ट में, तो बिल्कुल लाखों रुपए का खर्चा होता था, दिल्ली की सुरक्षा, हरियाणा की, चंडीगढ़ की, पंजाब की, तब मैंने इनकी VC शुरू करवाई तिहाड़ से,
फिर इनको बाई रोड ना लाया जाए, जेल से तोड़ सकते हैं। मेरी ये मुहिम जारी रहेगी, ना खालिस्तान को पैर पसारने देंगे, ना बपर खालसा को पैर पसारने देंगे। और मेरी पूरी मुहिम आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ जारी रहेगी। इनको मैं ललकारता रहूँगा। और मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि जो पाकिस्तान है वो दोस्ती की भाषा नहीं जानता, वो एक सांप है, उसको जितना दूध पिलाओगे वो उतना जहर उगलेगा। इसलिए पाकिस्तान गोली और बम की ही भाषा समझता है। जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मौत के घाट उतारा, ऐसे ही लश्करे तैयबा के हाफिज सैयद मौलाना मसूद अजहर, जिसने कंधार हवाई जहाज हाईजैक किया था, इन आतंकवादियों को वहाँ मौत के घाट उतारे भारतीय सेना। और 26/11 जिस हाफिज सैयद ने किया, उसी स्मारक पर उनको जिंदा जलाया जाए, फिर इस हरियाणा के और इस देश के शहीदों को शांति मिलेगी। ये आज आप मेरी आपके माध्यम से मांगे। सर, अमृतपाल का जिक्र किया, अमृतपाल ने लेटर लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को कि उसे जो ये जो इसका सत्र आएगा लोकसभा का और मॉनसून सत्र, उसमें उसको शामिल होने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल, अगर उठाना चाहिए, बिल्कुल, अगर अमृतपाल सिंह को लोकसभा के स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर आने की और चर्चा करने, शीतकालीन सत्र में शामिल होने की इजाजत दी, मानसून सत्र में आने की इजाजत दी, तो पार्लियामेंट के बाहर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया प्रदर्शन करेगी और उस प्रदर्शन का जिम्मेवार केंद्र सरकार होगा। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, मैंने टाइम मांगा हुआ स्पीकर से, मैंने टाइम मांगा होम मिनिस्टर से। जब देश का गृह मंत्री 370 खत्म कर सकता है, तो देश का गृह मंत्री राष्ट्रहित में, देखिए हिंदुस्तान में 543 मोहल्ले हैं, दो मोहल्लों से दो ऐसे व्यक्ति बन गए, फरीदकोट से जो है वो बन गया सरबजीत खालसा और खंडूर साहब से बन गया अमृतपाल सिंह। सरबजीत खालसा कौन है मैं कैथल वासियों को बताना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में यहाँ से संदेश जाए, क्योंकि आपके साथ पंजाब लगता है। ये सरबजीत खालसा वही सरबजीत खालसा जिसका पिता पुलिस में था, जिसके पिता ने देश की प्रधानमंत्री को गोलियों से छलनी किया, सरकारी स्टेन गन से, सरकारी वर्दी में। इससे बड़ा गद्दार, इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता। किसी धार्मिक ग्रंथ में, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे रामायण हो, कहीं नहीं लिखा मेरे गनमैन बाहर खड़े हैं, क्या वो मुझे गोलियां मार दें, वो विश्वास, उनके ऊपर कोई विश्वास करेगा। इन्होंने जो है हिंदू सिख भाईचारे में पाड़ पाया। अब अमृत सरबजीत खालसा भी, उसके अंदर डीएनए किसका, सरदार बेन सिंह का। बेन सिंह कौन, जिसने प्रधानमंत्री मारी। प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री का मारने का मतलब संविधान के ऊपर अटैक। और अमृतपाल सिंह भी संविधान के ऊपर ही अटैक करेगा। और केंद्र सरकार ने इसकी सदस्यता जल्द भंग ना की, तो वो दिन दूर नहीं जब कोई ना कोई इंदिरा गांधी की तरह, कोई ना कोई राजीव गांधी की तरह टारगेट होगा, और उसके बाद देश की जनता केंद्र सरकार को माफ नहीं करेगी। इसलिए सरबजीत खालसा की भी और अमृतपाल सिंह की, दोनों की सदस्यता भंग हो, दोनों का रिकॉर्ड, दोनों जनरल सिंह भिंडरांवाला की बात कर रहे हैं, दोनों खालिस्तान की बात कर रहे हैं, ना खालिस्तान कभी बना है, ना खालिस्तान बनने देंगे, खालिस्तान हमारे खून पर बनेगा, हमारी लाश पर बनेगा। हाँ, सरबजीत खालसा में दम है और अमृतपाल सिंह में दम है, चलो हम इकट्ठी मुहिम चलाते हैं। मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश संडिल्ला, जिम्मेवारी से मैं हथियार उठाने के लिए तैयार हूँ। ननकाना साहब को, जो जहाँ पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली है, उसको पंजाब में मिलाओ। करतारपुर गुरुद्वारा, जिसका कॉरिडोर जो है देश के प्रधानमंत्री ने खोला, वो 2.5 किलोमीटर दूर है गुरदासपुर से, उसको पंजाब में लेकर आओ। हैं, लाहौर में राजा रंजीत सिंह के राज को पंजाब में लेकर आओ, फिर तो समझ आता है कि ये देशभक्त हैं अमृतपाल सिंह। लेकिन ये पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, पंजाब को खालिस्तान बनाकर ये हेमकुंड साहब को पंजाब में कैसे लेकर आएंगे। ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, उनके पटना साहब गुरुद्वारा को कैसे पंजाब में लेकर आएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान से मिलकर और विदेशों से फंडिंग होकर पंजाब में दहशत फैला के हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुओं को डराने का साजिश रचते हैं। और जिस तरह संदीप थापर लुधियाना के अंदर, जिस तरह निहंगों ने तलवारें मार के, वो तो मार के गिर गए थे और गनमैन ने गोली तक नहीं चलाई, देख लो पंजाब फिर वही पुराने दौर में आ रहा है। ये कहते हैं हम गुरु के सिख हैं, गुरु के निहंग हैं,
गुरु का नियंग, पहले इन्होंने कुंडली बॉर्डर पर एक आदमी की लातें बाएं काट के मार के लटका दिया, फिर पटियाला के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का हाथ काट दिया, अब इसको मारा एक लड़का पंजाब का आज, और तलवारें मार के एक नियंग ने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये गुरु के सिख नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये खालिस्तानी हैं, और हमारे हिंदू सिख भाईचारे को दहशत फैलाकर डराकर पंजाब का माहौल खराब करके फिर पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तान की फंडिंग से पंजाब की अमन और शांति को लांबू लाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। अगर समय रहते अमृतपाल सिंह और सरबजीत खालसा की सदस्यता भंग ना हुई तो इस देश में अब आतंकवाद आया तो फिर कोई शहीद मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह नहीं मिलेगा, फिर कोई भगत सिंह नहीं मिलेगा, फिर कोई DGP KPS गिल नहीं मिलेगा। ये तो हमारे जैसे कितने लोग हैं जो इन खालिस्तानियों को ललकारते हैं। मुझे आज बब्बर खालसा के लोग, खालिस्तान के लोग, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के हथियार स्मगलर मुझे मारना चाहते हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, मैं गोलियों से बम से उड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक जीवित हूँ मुझे डराकर धमकाकर मेरी आवाज़ को बंद करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। मैं इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की सोच पर पहरा देता रहूँगा। वहीं मैं हिंदू सिख भाईचारे से अपील करता हूँ, कोई जरनैल सिंह भिंडरांवाला को नहीं चाहता। जरनैल सिंह भिंडरांवाला, देखिए 10वें गुरु ने क्या फरमान दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी माने उस प्रकट गुरां दी दे। जब 10वें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब को सब कुछ बना दिया तो किसी भी गुरुद्वारे में आप जाते हो सबसे पहले आपको बाहर जरनैल सिंह भिंडरांवाले की फोटो के दर्शन होते हैं। क्यों? वो गुरुओं से ऊपर आकर गुरुद्वारों में फोटो लगानी है, साहबजादों की लगाए, जो दो चमकौर साहब की धरती पर शहीद हुए, दो सरहंद की दीवारों पर शहीद चुनकर शहीद किए गए, माता गुजर कौर की फोटो लगाओ, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की फोटो लगाओ, जिनके सदका आज मैं तिलक लगाकर बैठा हूँ, जिन्हें पाके बैठा हूँ, जिन्होंने अपना शीश दे दिया, 10वें गुरु की लगाओ जिसने हिंदुओं को बचाने के लिए अपना सरबंस बार दिया, इन आतंकवादियों की फोटो जिन्होंने सेना के 90 जवानों को शहीद किया, इनकी फोटो भी गुरुद्वारों से हटाने के लिए सिखों को पहल करनी चाहिए। हिंदू और सिख जो है मार्शल कौम है। हिंदू अगर कोई हिंदू किसी पगड़ी को देख लेता है तो उसके अंदर ताकत आ जाती है। अगर मेरा कोई दोस्त सिख है तो मैं हर वक्त उसके साथ होता हूँ तो मजबूत समझता हूँ। हिंदुओं को और सिखों को प्राणे उसमें आना होगा तब ये देश बचेगा। और खालिस्तान के खिलाफ सांझी मुहिम हिंदू सिखों को शुरू करनी होगी और अमृतपाल के खिलाफ एक ऐसा माहौल चलाया जाए वो खुद ही इस्तीफा दे दे, और इसकी पहल सिखों को करनी चाहिए ताकि ये संदेश जाए कि गुरु का सच्चा सिख जो होगा वो जरनैल सिंह भिंडरांवाला को नहीं मानेगा। जरनैल सिंह भिंडरांवाला कौन सा गुरु है? कौन 10वें गुरु के बाद तो गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन खालिस्तानियों ने जरनैल सिंह भिंडरांवाला को गुरु बना दिया, शहीद बना दिया, जिसके पास से पाकिस्तानी वेपन मिले दरबार साहब में, जिसने दरबार साहब की पवित्रता भंग की।